पेश है आज के समाचारों की कुछ झलकियां। शहर में विभिन्न सामाजिक संस्थानों ने मनाया पर्यावरण दिवस। ऐतिहासिक भूतेश्वर शिव मंदिर में बह रही है श्री राम कथा की रसधारा। अब खबरें विस्तार से। 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्वालियर में भी विभिन्न सामाजिक संस्थानों आदि ने इसे अपने अपने तरीके से मनाया। शहर की ऐसी एक सामाजिक संस्था श्री राम राजेश्वरी सेवा संस्थान समिति द्वारा पर्यावरण दिवस केवल एक दिन नहीं मनाया जाता, बल्कि यह संस्था प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस से 12 दिन पूर्व से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इसे मनाती आ रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो हम 12 दिन से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यक्रम चला रहे थे, उसका समापन कार्यक्रम है। और पिछले 12 दिनों से हमारी संस्था के द्वारा लगातार शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर के पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्वालियर में ही नहीं, पूरे विश्व में पर्यावरण एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ग्वालियर में शुरुआत की हुई है कि पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, पेड़ लगाने के लिए उनको आग्रह किया जाए। इसी के संबंध में आज इसका समापन कार्यक्रम भी रखा गया है। इन 12 दिनों में सबसे पहली बार जब आज से 10 साल पहले हमने 2008 में इसकी शुरुआत की थी, तब हमने सबसे पहले तो इसके लिए 3 पेड़ हम डेली के लगाया करते थे 12 दिन तक। फिर हमें किसी ने बताया, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये विदेशी संस्कृति के हिसाब से है और इस समय यहाँ पर गर्मी होती है, इसलिए पेड़ लगाना उचित नहीं होता, आप इसकी बजाय कोई जागरूकता कार्यक्रम किया करें और पेड़ जुलाई माह में लगाया करें जब बरसात होती है। तब से हमने इस प्रोग्राम को विचार गोष्ठी के रूप में, जागरूकता रैली के रूप में मनाने का शुरुआत की है और इस बार हमने ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। साथ में मुरार नदी जो रमहुआ डैम के पास से शुरू होती है और जड़रुआ डैम तक सिटी के अंदर जो रहती है, उस मुरार नदी को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए भी हमने जागरूकता कार्यक्रम कर चलाए। अधिक मास के माह में श्रीराम कथा का फल व पुण्य लाभ आयोजकों और श्रोताओं को सामान्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक प्राप्त होता है। श्रीराम कथा का वाचन आचार्य पंडित अरविंद अवस्थी द्वारा किया जा रहा है। इस कथा की विशेषता यह है कि इसके यजमान स्वयं भूतेश्वर महाराज शिव जी है और आयोजक कोई एक ना होकर यहाँ दर्शन करने आने वाले भक्तजन है। हे राक्षसों के कुलरूपी और घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, मुझे पता लग गया है अवतार लेकर आए हैं, मुझसे जो गलती हुई आप क्षमा कर दीजिए। जय 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 रघुकुल केतु रघुपति गए बनई सपरे सभी। अरे जैसे विश्वामित्र ने अपने सब आयुध समर्पित कर दिए और यहाँ परशुराम जी ने भी लखन जी की बात का आगमन समझ में आ गया कि महाराज ये इतना भजन क्यों लादते हो, भजन करने वाले व्यक्ति को तो हल्का फुल्का रहना चाहिए, ये इतना माला ये साधन, जब आदमी अजपा जप में चला जाए तो जैसे है। धन्यवाद भैया,
और परशुराम जी कहने लगे, कही कही कह जय रघु कुल के तुम, आप रावण के दोनों पताकाए, आप पूजा के रूप में है राम प्रणाम करता हूँ और तपस्या करने के लिए। मैं कहूँ कि साधन के द्वारा भले ही और सत्य जब मिल जाए तो उस साधन को तिलांजलि देना ही चाहिए। ये परशुराम के इस चरित्र से हमको समझना है। साधन अगर बना रहा तो जो साक्ष्य है उसका अपमान होना स्वाभाविक परिवार है। साधन को सब साध्य को बहुत कुछ निर्वाह करती है, उनके कांधे पर बहुत कुछ वजन है। इसलिए अयोध्या भी सजाना है और मिथिला भी सजाना है। किसी का किसी का वो दूत हो चाहे बराती हो, किसी का कहीं पर कोई सम्मान में कम ना हो, कमी ना हो, ये विचार है। दशरथ जी कहते हैं मूर्ति वक्ति खड़े रह गए, सुना कि राम के मिलन का समाचार, राम इनको मिल चुके हैं ऐसा समाचार लेकर आए हैं। क्या बात हुई ये तो पता ही नहीं। दशरथ जी को विदेह हो गए, दशरथ जी विदेह हो गए। फिर उन्होंने धर धीर पत्रिका वाची धैर्य धारण किया, जैसे तैसे खुशी से शब्द आते हैं कंठ में, कुछ बोलते हैं कुछ रुक जाते हैं, लेकिन सभा ने सब बात सुनी, बड़ी प्रसन्नता है। पूछने लगे बताओ रानी दौड़ाई कहाँ है, कहाँ है दोनों। दोबारा जो आता है बाद में कहता है एक बार फिर सुनाओ, एक बार फिर सुनाओ। तो राजा बार बार पाती सुनाते सुनाते थक गया। तो कहता भरत जी से अब कितनी बार सुनाऊं। भरत जी खेलते रहते कहीं वो आए कि पिताजी मुझे एक बार और सुनाओ कि तुम मेरे भाई के मिलने की पहली सूचना है। कितने दिन हो गए जब ऋषि मुनि पिता मित्री लेगा लेकर, अब मोबाइल तो थे नहीं, आत्मा की आवाज पहुंचा कर। जब से ये मोबाइल आया ना तब से आत्मा हल्की हो गई, हमारा विश्वास कमजोर हो गया। अरे अरे जरा सर 5-10 मिनट मिले और वो अभी सिंधे की छावनी पहुंचा हुआ, पूछ लिया कहाँ हो, इतनी जोर हो रही, इतनी हिम्मत नहीं है, पता नहीं क्या हो गया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी किसी में ले ली हो, एक्सीडेंट हो गया, अभी पानी कर दिया। बोले 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 भगवान, हमेशा अशुभ सोचते हैं, अशुभ सोचते, और बोलने वाला मोबाइल वाला हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। उन्होंने कहा महाराज आपके बेटे तो इतने बलशाली, जाकर के दौड़े दौड़े गए वशिष्ठ जी के पास। महाराज ये करना है आपको पुरोहित कर्म का, अब आपका नंबर आ गया है महाराज। बड़े खुश है वशिष्ठ जी महाराज, कहा कि इसी के लिए तुमने ये सब कुछ किया है। सुकृति तुम समान जग मान्य है राजा, भय न है कोई होने में, तुम्हारे समान कोई सुकृति नहीं, और मैं इसलिए कि तुम्हारा मैं कुल पुरोहित हो गया, इसलिए मैं भी सुकृति। सभी रानियों को बुला करके और वशिष्ठ जी को दक्षिणा दी गई, मुहूर्त तय हो गया, सब जाकर बुलाए गए, उनको थावत बछाड़े दी गई, बरात जाना तय हो गया। अब रथ बजाए जाने लगे, चढ़ चढ़ रथ बाहर नगर लागी जुर्म बरात, बरात चली मिथिला की ओर। तो कहते हैं दर्शन जनक बनाई सेतु। अब आज के समय में 10 साल में पुल बनता है, तो अयोध्या से लेकर और मिथिला तक जितनी नदियां पड़ी और बरात आना शुरू हो रही है, ऐसा सोच करके जानकी ने अपने इंजीनियरों को कहा और किताब से साइन करा के पत्र बनवाए कि जितनी भी जल्दी जितने जहां से रथ निकाले, एक रास्ता भी नहीं, बरात जहां से निकले वहां पर उसको उस नदी में पुल मिलना चाहिए। बोलिए गोविंद बोले भगवान की, जिसको जल में ना घुसना पड़े। सब आप कहते हैं कि विज्ञान तेज हो गया, इतने पुल है, हम कह रहे चरितन जनक बनाए सेतु बहुवचन में है, जहां से जो उतरा उसको पुल मिला, किसी को नदी में घुसना नहीं पड़ा। तो हमारा देश कब गरीब था, कभी नहीं, कभी विज्ञान आगे निकल गया हो भले ही, लेकिन आज गरीब होता है, उस समय तो सब जो एक मानस एक का विमान मिलता था 10 होते थे उसको 10 के लिए विमान मिलता था, जितनी बरात के लिए उतने पुल बन गए। चारों ओर वक्ति लोग गुणगान करते हैं, बरात जा रही है, तब नाच के गाते हुए मिथिला की
एक सुंदर सा रथ है, उसमें ब्राह्मण वन और वशिष्ठ जी को उसने अग्रव की अगुवाई करते हुए एक सुंदर सी रथ पर बिठाया गया है और उस पर उन्होंने भगवान को स्मरण किया। शिव गौरी गणेश पार्वती सबको याद किया क्योंकि उन्हें मालूम था पुरोहित्य कर्मोति मंदा देव पुरा स्मृति करिंदा जब न लेऊं मैं तब विधि मोही कहा लाभो आगे सुख होई। वो समय आया और मंगलमय कल्याण आया अमृत फलदाता एक साथ सभी सगुण होते हैं। भगवान की बरात मिथिला की पहुंच रही, भगवान को पता लगा कि मेरी बरात पूरे पर आ गई है, कि मुझे लगता है मैं अपने पिता से मिलने जाऊं और लक्ष्मण जी को साथ लेकर के भगवान बरात जो तो पूरा है और वैसे ही सुंदर से सुंदर से घोड़े पर और भगवान के लिए स्वयं आकर के जानकी और राम की जब आमरे होली आहुति स्वयं ले गए क्योंकि ये राम का विवाह है, ये कोई संसारी का विवाह नहीं। प्रथम बरात लगन के आई आते थे प्रमोद प्रथम बरात लगन पे आई। गोस्वामी जी कहते हैं आज के समय के अगर कोई मुहूर्त से पहले बरात पहुंच जाए तो कहते हैं अभी कुछ तय नहीं, हमने कहा जल्दी आए जल्दी आ गए कौन से बहु अपने पैसे से नाश्ता पानी कर। लेकिन यहाँ तो मानस में कहते हैं कि मुहूर्त से पहले बरात आ गई तो फिर जनकपुर के लोग और खुश हो गए कि मुझे और सेवा का मौका मिल गया, अगर मुहूर्त पे आ गई तो इतना समय मौका कहाँ मिलता मुहूर्त। प्रथम बरात लगन पे आई, लगन से पहले आ गई तो कहते हैं ताते पुरु प्रमोद अधिकार, इसलिए मिथिला में और अधिक आनंद बढ़ गया। पढ़ेंगे मानस लेकिन लड़ बैठेंगे, एक नाश्ता ज्यादा कर दिया, तुमने कहा था रात में आएगी दिन में आ गई बताओ मेरा दिन क्या है। ये बरातियों का था, ये मिथिला की बरात का जितनी बरात आई है मिथिला में आपको ब्रह्मानंद है। अच्छा आपको कहे कल जब जन्म हुआ था तो दशरथ जी को कहा कि आवाज लगाई कि आपके घर में बेटे तो फिर वहां उनको लगा कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी का नान और मानो ब्रह्मा दशरथ जी का ब्रह्मानंद हुआ। तो पूर्वासियों ने कहा महाराज बच्चा तो हमने भी किया, आप मेरे राजा हैं लेकिन आपने बड़ी पुण्य को बड़ा कटोरा था आपने ले लिया, आप तो रह गए। आदमी जब बांटेगा तो हो सकता है कि चीन के देश कुछ कम ज्यादा कर, लेकिन सही मायने में जो माँ का हृदय होता है उस सबको खिलाने के बाद अपने लिए बचे तो बचे ना बचे तो भी बांट बांट अपना हिस्सा प्रसाद करेगा, कोई आ गया उसको दे दिया अपन को हाथ जोड़ लिए बोले रामचंद्र भगवान की। वहां तो केवल दशरथ जी ने लिया लेकिन यहाँ जानकी की कृपा देखो, माँ ने कहा कि अब युवराज राम होंगे पटरानी होंगी तो अब अयोध्या में एक को ब्रह्मानंद नहीं होगा। इशारा किया बरात में जितने लोग हैं सबको कहा लिखा है सबको ब्रह्मानंद ब्रह्मानंदो लोगो सबला वहाँ जो बराती है जो गरजती है सब
बोले परमानंद भगवान की, बोलो जानकी मैया की। और अब मुझे उस संपुट की याद आती है, इन सब का होना शिव आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।